आप सभी को जय श्री कृष्णा। महानवरात्रि शारदीय नवरात्रि में श्री आराधना के क्रम में, भगवती शक्ति की आराधना के क्रम में हम सौंदर्य लहरी का पाठ का और पूजा पद्धति की आराधना करते हैं। कहा गया है भगवती के लिए, कहा गया है विभिन्न ग्रंथों में, यज्ञकर्त्री यजमान स्वरूपिणी। यज्ञ स्वयं भगवान भगवती ही यजमान के स्वरूप में है और हमें फल प्रदान करती हैं। जो भी श्री विद्या की आराधना करता है, सौंदर्य लहरी का पाठ करता है, कहा गया है शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पन्दितुमपि। जो श्री यंत्र होता है उसमें एक तरफ 5 त्रिभुज होते हैं और एक तरफ 4 त्रिभुज होते हैं। महामेरु यंत्र के नाम से जाना जाता है। शिव पंचमुख जो होता है वो शिव के लिए, 4 मुख जो होता है वो देवी के लिए कहा गया है। और इस आराधना से हमें सभी प्रकार के समग्र ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, पुत्रार्थी को पुत्र, समग्र ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। श्री शब्द से लक्ष्मी का ही नहीं बोध होता है, अपितु मोक्ष की तरफ, भोग और मोक्ष दोनों की प्रदात्री देवी भगवती श्री राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी, इनकी आराधना से हमें सर्व प्रकार के ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशस्य ज्ञान वैराग्य सुंदर शन नाम भग इति रना, इस पद से हमें समग्र ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इस नवरात्रि में, पुण्य पावन नवरात्रि के क्रम में आप सभी श्री विद्या की उपासना करके और सौंदर्य लहरी की आराधना करके भगवती के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करें और इस नवरात्रि में, इस आहुति में एक महाविद्या महापूजा करके हम जिस तरह का ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, हम धर्म चाहते हैं तो धर्म की प्राप्ति, अर्थ चाहते हैं तो अर्थ की प्राप्ति, काम चाहते हैं तो काम और मोक्ष, इन सभी की प्राप्ति कराने वाली श्री भगवती राजराजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी हैं। आप सभी को पुनः जय श्री कृष्ण।